हेलो गाइस, वेलकम बैक। इट्स 10:30 और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी वेट कर रहे होंगे हमारे रूम्स का। मुझे लगता है कि कुछ बंदों का रिप्लाई जब आता है ना तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो यार, बंदे रिप्लाई कर रहे हैं और उनको मतलब वेट करते हैं वो हमारे रूम बनने का, और कमेंट्स भी करते हैं कि भाई ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप में से भी किसी को भी अगर लगता है कि भाई रूम कैसी बननी चाहिए या क्या होना चाहिए, टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ अप डाउन हो, तो प्लीज़ गाइज लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन पे या हमारे इंस्टा आईडी पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कहीं पे भी आप, जहाँ पे भी आपको वर्ड लगता है आप बता सकते हैं। आई गेस आज स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्रॉस योर फिंगर्स एंड विश प्लीज़ भगवान कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। ये प्लेन मेरी चलती अगर मैं खेल रही होती तो, क्योंकि मेरी आरपी ज़्यादा है ये। खैर आओ देखते हैं। वैसे यहाँ पे मिलिट्री बेस हॉट ड्रॉप है, नोवो हॉट ड्रॉप है, लोग याशनाया और रोजहॉक कोचिंग की भी उतर सकते हैं काफ़ी हद तक, और जो लोग सेफ खेलेंगे उनके लिए सेवर्नी, लिपोवका, मिल्टा और हॉस्पिटल जॉर्जो, ये सब भी है प्लेसेस, तो कोई टेंशन है ही नहीं कहीं से भी। आई गेस कि प्लीज़ मेरा स्ट्रीम सही चले क्योंकि थिंग्स तो थोड़ी हाई जा रही है, पता नहीं। मुझे लगता है सबसे पहली गन मिलिट्री से चलेगी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी स्क्वाड दिख रही है यार आजू बाजू, गोद में उतरी हुई एक दूसरे के। ओ भाई, किसको पहली गन मिलेगी मुझे लग नहीं रहा। देखो यार, दो बंदे एक साथ अलग अलग क्लैन के टूर में, उन्होंने ठीक किया, उनको भागना भी चाहिए क्योंकि पूरी एक दूसरे, ओ शिट, तीसरी क्लैन में गई। ओ भाई, वो मार क्यों नहीं रहा बंदा ने मिस कर, बहुत बेहतरीन। वो मुझे समझ में आ गया था कि उनके हाथ में शॉटगन आ गई है, वो फाड़ देंगे उसकी। टीम वन का बंदा है ये, टीम सिक्स के बंदे के साथ, वो टीम कोई दूसरे का ही बंदा था शायद जिसको इन्होंने नॉक किया है। आइए यहाँ देखते हैं, क्रेट भी बन गया उस बंदे का यार। एक बंदा ख़त्म, 19 की टीम ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, वो 19 टीम का ही बंदा था जिसको उन्होंने ख़त्म किया है। यहाँ पे कैंपर बने हुए बैठे हैं, उम्मीद करें कि कोई और आएगा और मैं पट्टे से हेड शॉट, मतलब बॉडी शॉट भी काफ़ी है इसके लिए, तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बॉडी शॉट पड़ेगी तो बहुत टेंशन वाला विषय नहीं है। ओके, यहाँ पे राका भी खड़े हैं, बहुत गलत सीन, ये वेट करते रह गए, राका उनके पीछे आ गया। टीम वन का एक और बंदा भी गया, टैग लूसीफर अकेले बचे हैं, वो कहाँ पे उतरे हैं, वो दूसरी बिल्डिंग पे आओ, उनकी हालत देखते हैं। ओह शिट, इनके पास तो गन ही नहीं है, व्हाट ही विल डू, ना बंदे ना गन, हाँ बस बस मुक्का ही मारना, सही है सही है, ये होती है। ओह शिट, यहाँ पे फाइट चल रही है, हम देखते हैं। इसे कहते हैं पबजी वालों का जुनून भाई, भाई मैं गलत जगह आ गई क्या, सॉरी, पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो गई भाई। 11 नंबर के लिए मैं लकी हुई, पर 22 के लिए शायद अनलकी, जैसे ही मैं आई हूँ और बंदे ख़त्म भाई। यहाँ पे पैंडा अकेला है, पैंडा आई गेस यहाँ पे लूट वगैरह करके निकल जाएंगे मुझे लगता है, यहाँ फाइट लेने के वो नहीं करेंगे, जोन के बाहर भी हैं काफ़ी। ऐसे प्रो बंदे हैं, प्रो बंदों का कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत आराम से खेल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गाइज, अगर स्ट्रीम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ मैं, क्योंकि यार अभी कोरोना टाइम के कारण मेरे यहाँ पे नेटवर्क की कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मैंने 2-3 बार बात भी कर ली उन लोगों से, उन्होंने बोला मैम प्लीज़ थोड़ा सा हमको लॉकडाउन से बाहर निकलने दीजिए, विल हेल्प यू आउट। तो अभी फ़िलहाल वो मेरी भी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती हूँ, तो जो चल रहा है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करो गाइज और सपोर्ट करो, सो दैट कि हम आगे अपनी चीज़ों को एनकरेज कर सकें और उम्मीद करें कि लाइक सही हो चीज़ें। यहाँ पे फाइट चालू हो गई 21 की, यहाँ पे फाइट हो रही है मुझे जहाँ तक देखने मिल रहा है, 21 और 5 की फ़ाइट दिख रही है मुझे, 5 इनसेन वाले आए हैं, ओ इनसेन मुनीश, ये लास्ट के लास्ट मैच में विनर रही है इनसेन के ग्रुप, पर इनसेन के बाकी ग्रुप कहाँ गई आज, नहीं आई है इनसेन। मुनीश आज अकेले हैं लग रहा है, पर मुनीश के पास बंदे बहुत सारे हैं, उनका दूसरा बंदा कहाँ है भाई। आइए टॉप व्यू से देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ की, मुझे जहाँ तक दिख रहा है इनसेन का एक ही बंदा यहाँ पे, टीम फाइव का दूसरा बंदा स्ट्रेंजर की तरफ है,
स्ट्रेंजर यहाँ पे उसको ताक पे रखे हुए हैं. स्ट्रेंजर इज ऑल्सो गुड प्लेयर, थोड़ा बच के रहना चाहिए मुझे लगता है इनसेन को. यहाँ पे देखते हैं फाइट चल रही है यार पैब्लो एंड लाइक 3-10 की तो नहीं, 3-6 की फाइट मुझे लग रही थी. अंगद यहाँ पे फाइट ले रहे थे शायद. ओके हाँ 3-6 की फाइट चल रही है यहाँ पे 3-10 के साथ. अच्छा टीम टू का एक ही बंदा है शायद, क्या ये टीम टू भी यहाँ पे है? ओ विजार्ड इज ऑल्सो गुड प्लेयर. यार अमन भी अच्छा प्लेयर है, ये सब कैसे खत्म हो गए क्या? प्लेयर्स हमको इस चीज़ का गुरूर होने लगा है कि हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. नो डाउटेडली इनके गेम प्ले बहुत अच्छे हैं. कभी कभी क्या होता है ना, जब आप दो टफ कॉम्पिटिटर्स हो तो फिर टक्कर तो मुश्किल होती है ना. यहाँ पे 10 नंबर का एक प्लेयर यूं क्यों भाग रहा है भाई? अच्छा पैब्लो वेटिंग फॉर द गाड़ी. पर ये दो लोग निकल जाएंगे, बाकी दो बंदे यहीं छूट जाएंगे इनके. अच्छा वो निकल चुके हैं ऑलरेडी, पर इनको टीम जैसा बिहेव करना चाहिए आई गेस. यहाँ पे टीम स्वाइप हो गई है, विज़र्ड की टीम पूरी खत्म. विज़र्ड के टैग रिबल थे उसमें एलन अमन और सॉरी गाइस. और कहीं फाइट की स्थिति बन रही हो तो देखो यार, मुझे लगता है यहाँ पे फाइट होने वाली है आसाराम बापू एंड टीम के साथ. चेक ये टीम भी यहाँ पे है, टीम थ्री. टीम थ्री थोड़ी सेफ होगी शायद अभी मुझे लगता है. हाँ जो की तरह वो काफ़ी सेफ मूव ले रहे हैं. आसाराम बापू यहाँ पे काफ़ी डैमेज है. बापू दवाई वगैरह लीजिए, थोड़ा हेल्थ हेल्थ बढ़ाइए, दंशन पाइए. रामदेव बाबा की आपको बहुत ज़रूरत है, रामदेव बाबा से बात किया जाएगा आपके लिए. टीम 11 यहाँ पे है, पैंडा यहाँ अकेला है पर वो फाइट ले रहा है. सबसे बड़ी चीज़ वही है कि वो यहाँ से मूव ऑन नहीं हो रहा है, ये फाइट ले रहा है. अलग अलग बंदे हैं, उसे भी पता है कि यहाँ पे कितना बड़ा उसको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बंदे बिखरे हुए से हैं. और जब बंदे बिखरे हुए होते हैं ना तो यार लाइक वो उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है. वो बोला गया है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड डैश 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 व्हाट इज वीकनेस यू लेट मी नो. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये यूनिटी पे नहीं है पर ये लोग अलग अलग हैं. पर अब वो साथ हो रहे हैं इसलिए वो शायद निकल गए. क्या उमेश, बढ़िया हाल चाल है? आप बताइए आपका क्या हाल है? हम तो बहुत बढ़िया हैं. आप कैसे हैं? सही है. बिल्कुल. आज ही मैं सोच रही थी लेकिन तुम आज निकल गए कहीं काम है करके. 21 का एक बंदा यहाँ पे हील अप कर रहा है. 5 इनसेन यहाँ पे गेस. हाँ मैंने बोल दिया है सॉरी फॉर लेग्स. क्रॉन्टन खत्म है, श्राउड खत्म है, इनसेन का एक ही बंदा बचा है. और 7 टीम 7 यहाँ पे सोलो 2 हैं. अगर वो साथ में मिलके 21 के लिए फाइट कर लेंगे ना, मतलब बिना टीम अप के भी अगर वो 21 के ही बंदों को मारे अपने आप एक दूसरे को छोड़ के, तो शायद काफ़ी अच्छा इन लोग एक दूसरे को सपोर्ट दे पाएंगे. पर 21 5 के पास है. याशनाया में देखते हैं यार, नया याशनाया में सुनने में आया कि तीन टीमें एक साथ है और मैं वहीं तो हूँ यार. कैसे कर रहे हो? वहीं तो हूँ मैं, वहीं पे तो हूँ. कैसे कर रहे हो? टीम 7 कहाँ गया? टीम 7 मुझे नहीं दिख रहा अभी. ये रहा, वही कह रही हूँ. टीम 7 और टीम 5 अगर मिल करके 21 के ऊपर अटैक करेगी ना तो बहुत सही होगा. अगर एक दूसरे से भिड़ गई तो 21 आराम से इनको स्वाइप कर लेगा. ये रहा, आ गए बंदे. स्ट्रेंजर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा. मैं जा रही हूँ मुनीश की तरफ से देखने के लिए कि क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि माहौल यहाँ फाइट की ज्यादा हो रही है. उसने बैकअप के लिए स्ट्रेंजर को बहुत आराम से खाया. ओश वाओ,
व्हाट अ माइंड, व्हाट अ माइंड यार, मतलब बंदे ने दिल खुश कर दिया यार। मतलब उसने जो किया ना, उसने बहुत बेहतरीन चीज़ की, जो उनका एक बंदा उसने बहुत प्यार से खाया, बाकी लोगों ने देख लिया उसे बस, वरना तो हो गया था बढ़िया उसके लिए। उसने क्या किया था, गैस स्किन को सजा के रखा था, और जैसे ही बंदे आए उसमें फायर करेगा वो उसने सोचा था, और उसने किया। यहाँ टीम सेवन उसका फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकल गया, उस फाइट का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने आप को सेफ ले जा रहा है। हाँ, ड्रॉप किसी ने लूटा नहीं है शायद, क्योंकि काफ़ी दूर ड्रॉप है, अकेला और अलग सा ड्रॉप निकला है बेचारों का। और ये वैसे भी वर्थ इट नहीं है, लोगों के आना कोई मतलब का नहीं होगा मुझे लगता है, सिर्फ ये लाल धुआं छोड़ रहा है, ये सरकारी ड्रॉप कुछ नहीं हो सकता। आशाराम बापू लोग यहाँ पे खत्म, जोन का उसको ड्रॉप वर्क भी मिला होगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या दिखाना है रोनाल्डो आपको? ई मैगी, बिग फैन रोनाल्डो, बिग फैन सर जी। ऐसे क्या वीडियो टक 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 रही है, ऐसा क्यों? उमेश, मैंने बताया था कि अभी कोरोना के चक्कर में यहाँ पे लॉकडाउन है ना, तो इसलिए यहाँ पे सर्विस नहीं दे पा रहे वो लोग, क्योंकि मेरी जब स्ट्रीमिंग की प्लानिंग हुई वो लॉकडाउन के टाइम पे हुई, तो यहाँ पे एमबीपीएस थोड़ा कम है, तो उनका ये है कि यहाँ पे फाइबर लाइन उनको पहले बिछानी पड़ेगी, फिर वो मुझे एमबीपीएस अच्छी दे पाएंगे। उसके पहले मैं चाहे लाख मशक्कत कर लूँ, चाहे लाख खर्चे कर लूँ, पर मेरा काम नहीं होने वाला, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, और आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है, पर आप लोगों के सपोर्ट से मैं चला रही हूँ यार। थोड़ा सा क्या कर सकती हूँ यार, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा कम प्रॉब्लम हो, बस पहले तो ये मेरी स्ट्रीम फुल चल जाए, फिर मैं स्पीड के लिए और थोड़ा कोशिश करती हूँ। यहाँ पे टीम 11 निकल चुकी है, पैंडा को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे गग्गी डिप्रेशन लोगों की टीम भी है, यहाँ पे क्या हाल है देखते हैं। एक अच्छा इनका शॉर्ट स्ट्राइकर खत्म हो चुका है, गग्गी डिप्रेशन एंड एसवीजी बचे हुए हैं, ये तीन बंदे बचे हुए हैं। टीम 21 की क्या स्थिति है देखते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रेंजर खत्म हो गया है, तीन बंदे बचे हैं टीएक्स के। आज जटाई लोग नहीं आए क्या? अच्छा सॉरी, प्रिंस लोग भी है ना, प्रिंस भी नहीं लोग। ऑग ऑग आइए, ये वर्थ है, इसका फायदा टीम 3 को मिल सकता है वैसे चाहे तो, लेकिन अब जोन छोटा हो गया वहाँ, मतलब ड्रॉप पे जाना मौत को दावत देने के बराबर होगा, क्योंकि देखो एक रूप मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे चीटियों की तरह, मतलब लोग एकदम एक साथ वहां अंदर घुसने वाले हैं जोन की तरफ, आधी जोन पानी में है, तो वैसे ही वो वर्थलेस हो गया, तो बहुत जोन छोटा है इनके लिए। क्या? अच्छा हाँ, टीम 10 ने यहाँ ब्रिज ब्लॉक करके रखा था, तो टीम 6 ने बोला कि भाई तुम तो ब्रिज ब्लॉक कर लो, हम तो बैंडेज पट्टी जो भी करेंगे, लेकिन बच के तो निकल जाएंगे भाई, बिना तुमसे लड़े बिना पंगा लिए। टीम 6 ने बहुत दिमाग का काम किया, जिसमें जटायु, मिथनिक्स 46, मिथराका और अंगद हैं। और टीम 10 में कौन कौन था वैसे, जिनके सपने चूर चूर होने वाले हैं? एपेक्स रौनक, पुष्कर राज, भूपेंद्र सिंह एंड व्यू पैब्लो, व्यू पैब्लो, इनके सपने टूट गए, अब इनको जोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जोन का टाइम वैसे है, जोन में काफी टाइम है, अभी टेंशन नहीं है। ओ भाई, फाइट की स्थिति बन गई है, मुझे लग रहा है टीम 3 की यहाँ हाँ। रोनाल्डो एक्चुअली ना आई लव यू थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था, बट लव योर स्ट्रीम इज गुड, थैंक यू फॉर दैट, एंड हाँ इट वुड बी आई लाइक यू हो सकता था, बट लव यू थोड़ा सा लाइक, आई एम सॉरी फॉर दैट हाँ रोनाल्डो, हाँ बट बिग फैन ऑफ योर्स, नाम ही इतना मतलब बेहतरीन वाला है। हाँ, फ्लर्ट बहुत अच्छा करते हैं, एंड एंड आई डोंट प्रमोट फ्लर्ट्स। क्या शट अप। अच्छा रोनाल्डो, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, सॉरी यार, आपका फुटबॉल मतलब लाइक
पबजी में कैसे आ गए यार, अब फुटबॉल वगैरह छोड़ के। अच्छा, ये लॉकडाउन ने सबको पबजी मिला दिया है, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट किडिंग रोनाल्डो। हाँ, मुझे पता है आप प्लेयर हो गई। यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि बहुत गंदे से फाइट होने वाली है भाई। मैं किसको स्पेक्टेट करूँ, किसको छोड़ूँ, मैं इस स्थिति पे आने वाली हूँ। मुजाहिद यहाँ पे फुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। मुजाहिद ने बूस्टर्स का यूज़ किया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बूस्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है कहीं ना कहीं। पर अब यहाँ पे टॉप 14 टीम्स है और 14 टीम और इतना आधा सा सर्कल, क्योंकि आधा तो पानी है ना भाई, तो इट्स लाइक कि 14 टीम्स। भाई 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 भाई, कतई कातिल सा माहौल है यहाँ पे। ओ भाई, टीम 7 पीछे ही है टीम 20 के। सबको गाड़ी मिल गई थी, मतलब इतनी गाड़ी स्पॉन करते हैं पबजी वाले। आज मुझे लगा कि पबजी वाले बहुत गाड़ी स्पॉन करते हैं। 14 के 14 लोगों के पास गाड़ी है, और कहीं के पास बग्गी होंगी, तो कितनी गाड़ियाँ होती हैं। ओके ओके, टीम, इनको पता चल गया ये सोलो बंदा है शायद, तो ये इसके पीछे लग गए हैं। दो बंदे हैं, पर 20 को ड्रॉबैक मिल सकता था, वो घर पे बहुत बंदे थे। और कहीं फाइट की स्थिति हो तो पहले बताना, हम तो ध्यान नहीं चल रहा है। बहुत ही फाइट की स्थिति खराब होने वाली है। टीम 4 पे आऊँ, आओ देखते हैं टीम 4 का यहाँ पे फाइट होने वाला है। ओ डिप्रेशन नॉकडाउन है, डिप्रेशन डिप्रेशन। मैंने एक बार, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब नाम सुना था ना डिप्रेशन, तो मैंने कहा डिप्रेशन ये ऐसा नाम क्यों। डिप्रेशन ने मुझे बताया, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि यू आर किल्ड बाय डिप्रेशन। जब वो लिखा हुआ आता है ना, यू आर किल्ड डिप्रेशन। मैंने कहा यार ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया, ये तो बहुत सही था। लेकिन यहाँ पे प्रिंस लोगों के, ओ भाई, और कहाँ फाइट की स्थिति है वैसे। यहाँ टीम 4 और टीम उस पर भी दिख रही है मुझे। हाँ, टीम 9 को मैं देख पा रही हूँ, टीम 9 और टीम 4 आसपास में घूम रहे हैं, और टीम 9 अलग निकल गई है। अब दूसरा टीम 9 का मेंबर है टीम 4, ये रहा। टीम 9 निकल गई अपने अलग। यहाँ 21 की मुझे फाइट होती दिख रही है, 21 की भी फर्जी फायरिंग है। टीम 12 और टीम 16, 16 का सोलो बंदा है यार, 12 की पूरी स्क्वाड है, 1v स्क्वाड वाला सीन है ये तो। ओ भाई, जॉर्डस कौन, अरे अन्नी नहीं आया क्या आज? आज में क्या हो गया मेरे को? अन्नी भाई है भालू के साथ अकेले क्या? अच्छा, क्या तो मेरा फुटबॉल मैच लाइव स्ट्रीम करोगे? अरे क्यों नहीं यार, गुड कमेंट्री। ओ भाई, मारो हमें मारो यार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एप्रिसिएशन, बट यार क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगी, क्यों नहीं यार। ऐसा ऑफर कौन ठुकराएगा, वो भी रोनाल्डो का। यार कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा काम करे। वैसे यार डीपी के साथ पैरा बॉय रेडी है, पैरा बॉय। और ओ भाई 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 भाई, घर बाद में आया, मेरे को लगा खुले पे कैसे फाइट चल रही है यहाँ पे। ओ मिथ के लोग बाहर क्या कर रहे हैं, लोग घूम क्यों रहे हैं बाहर? ओ इनका एक बंदा नॉक्ड है। शिट, अंगद 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 अंगद, वो आए थे रिवाइव करने, पर उनको खुद को रिवाइव की जरूरत पड़ गई, राका के चक्कर में अंगद भी गए। पर ऐसे खुले में कौन रिवाइव देता है भाई, मम्मी को समझ में नहीं आया। जटायु आए हैं, पर स्मोक करना चाहिए इनको सबसे पहला, पहला स्मोक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारे बंदे हैं यार। बंदे मतलब बिल्कुल कमी नहीं है कहीं से यार, बंदों की गन इतनी अच्छी अच्छी है सबके पास, और फाइट की स्थिति बनी हुई है। देखते हैं, आइए टॉप व्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मॉल मतलब हर जगह फाइट की दिख रही है मुझे जहाँ तक। पर हाँ, उन्होंने रिवाइव कर दिया है। मिथ भी यहाँ पे है, मिथ क्या कर रहे हैं, मिथ अकेला क्यों है वहाँ? यहाँ भी फाइट की स्थिति है, और 10 और 20 की फाइट देखते हैं। अब मुजाहिद ऊपर है, ये डुओ वर्सेस स्क्वाड की फाइट है भाई, दोनों अच्छे बंदे। और टीम 10 है, सॉरी, 10 की फाइट तैयार किया उन्होंने। मुझे काफी
हद तक लगता है। इन्होंने एक बंदा इनका पूरा ख़त्म कर दिया है, ये राउंड में दूसरा बंदा खुद गया। ओहो, तोते उड़ गए भाई, तोते उड़ा दिए उसने तो तोते उड़ा दिए। हाँ, रौनक ने तोते उड़ा दिए भाई बंदे के। किसने उड़ाया? रौनक ने उड़ाया? नहीं, रौनक ने नहीं उड़ाया, सॉरी, पुष्कर ने उड़ाया शायद। पुष्कर ने उड़ा, हाँ पुष्कर ने उड़ाया उसके तोते। पुष्कर ने पुष्कर दिया। ओ भाई माहौल देखो यार, चीटी मकोड़े मतलब। ओ भाई 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 भाई, बचाओ 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 बचाओ। ड्रॉप देखें या यहाँ फाइट देखें। देखो टीम 10 पे दोबारा अटैक हो गई है, थर्ड पार्टी टाइप्स किया गया ताकि इनका डैमेज का फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ माहौल बहुत ख़राब है, 21 दूसरे घर पे, 10 दूसरे घर पे। यहाँ पे एक जगह और फाइट चल रही है, हम देख सकते हैं जैक्स के साथ फाइट हो गई शायद। वो नहीं, जैक्स वाले सही है, मैंने पहले ही बोला था जोन बहुत छोटी कर दी है अचानक। यहाँ पे थ्री और टीम 6 की यहाँ पे फाइट चालू है। ओ शिट, अनस यार, अनस इस टाइम पे नेड वेट का नहीं सोचते हैं इस टाइम पे। ब्लैक प्रिंस यहाँ पे लूट मार मचा रहे हैं। ओ शिट 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 शिट, हाँ वही तो। किंग कहाँ गया? किंग कहाँ है? किंग आ गया, किंग आ गया। स्मोक इन लोग बहुत दूर किए हैं, स्मोक बहुत दूर किए हैं। 6 इनके ऊपर रश कर रहा है फ्लैंक करके, और ये नेड फेंक दिया उन्होंने। शिट 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 शिट, इनको नेड का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। इनको दो दो बंदे अटैक कर चुके हैं यार इनका। वाओ, लेकिन ये सब रिवाइव हो चुके हैं, ये सब रिवाइव हो चुके हैं, लेकिन रिवाइव हो चुके हैं। बैक लेना इनका ठीक रहेगा, लेकिन बट गलत टाइम पे ले रहे हैं इनका। पीछे से बंदे मार सकते हैं ना, वो पीछे से बंदे मार सकते हैं यार। टीम 9, ओ भाई टीम 6 के पीछे। ओ भाई 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 भाई, बेहतरीन सा सीन है यार, मतलब माहौल एकदम मतलब मजेदार सा सीन है यार। मतलब बंदे इधर से भी भाग रहे, उधर भी बंदे, इधर बंदे हैं। बहालू और अन्य क्या कर रहे हैं? ओ किंग, किंग नॉक हो गए हैं किंग को। टीम 9 यहाँ पे, टीम 9 का भी इन पे हमला हो गया है काफी बुरा। टीम 3 मतलब टीम 3 बीच का बंदर हो गई है। यहाँ से 9 मार रही है, वहां से 6 मार रही है यार। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 यार, मतलब हद हो गई है। किंग और प्रिंस खत्म, यहाँ एनएस और रियाज बचे हैं। इन लोगों को मेरे हिसाब से पहले यहाँ से जगह छोड़ के इनको कहीं और मूव होना चाहिए, क्योंकि आगे भी बंदे पीछे भी बंदे। अब इनको कहीं सेफ लेना चाहिए। ओ भाई पीछे टीम 4 भी आ गई है, अब टीम 4 भी आ गई है। इन लोगों के पास बहुत बड़ा, इनको बहुत बड़ा पंगा है इनके साथ। क्या तो रजिया गुंडों में फंस गई वाला हाल है क्या? चारों तरफ से गुंडे और रजिया बीच में है। ओ भाई रियाज भाई के रजिया भाई हो गए हैं। सॉरी यार, कौन है? पबजी नीम्स। ओ कोई ना यार, कोई ना नीम्स, आप कल ज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है, है ना? जो भी लोग छूट गए हैं वो लोग प्लीज़ बी ऑन टाइम यार, 5 मिनट पहले आ जाया करो यार, ताकि आप लोग खेल सको यार। हम आप लोगों का गेम प्ले देखने के लिए खुद आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था यार, पता नहीं, मुझे लग रहा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा स्ट्रीम कर पाऊंगी, पर सही हो जा रहा है शायद। हाँ यार, अभी थोड़ा एक तो ये स्ट्रीम के चक्कर में थोड़ी सी ठीक हुई नहीं है, हुई है, थोड़ा इधर माहौल खराब है अभी। नीज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यार, तो आपने मुझे बहुत हेल्प किया है। और सच में आप नहीं होते ना तो थंबनेल और ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं पाती। जो आपने मुझे थंबनेल बना के दिया है, चैनल आर्ट बना के दिया है, जो भी चीज़ें आपने बना के दिया है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू नीम्स। पता नहीं आपको ये मैसेज जा रहा है या नहीं। नहीं, ये नीम्स नहीं है, नीम्स, मैं नीज की बात कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, ये एक पेड़ का सहारा लिए दोनों कितनी देर टिकेंगे। पर टीम 6 उनको वहाँ पे, इनको मेरे ख्याल से एक पेड़ में एक्सचेंज करना चाहिए, इनको जगह बदलनी है वॉल बनाते हुए। जटायु
अरे और उंगली करके मत बढ़ाओ दुश्मन अपने। चलो 16-6 पे चली गई है तो कम से कम थोड़ा सा फाइट तो होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। 16 यहाँ से गाड़ी लेके भाग रही है। इस बीच में 16 को मुझे लगता है कि उनको मतलब टैग के टीम को बहुत अच्छा प्रॉफिट था 16 के आने का, पर अगर वो फायदा उठा पाए हों तो। टीम 12 यहाँ पे पूरी सेफ है। टीम 16 यहाँ से भागी हुई तो कहाँ, इधर 11 है, 11 वेट कर रही है। यार फायर नहीं किया आपने। टीम 11 के बीच में जाके रजिया गुंडों में फंस गई है। 3 के बीच में क्या आज तो वही तो कह रहे हैं, स्क्वाड वाली मैचेस बहुत ज्यादा है आज तो। डुओस की एक सोलो की पर टीम 11 जोन के काफ़ी बाहर है। अगर जोन अभी आ जाएगी ना तो इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। मेरा सजेशन इनके लिए यही रहता कि इनको टीम के मतलब जोन के अंदर जाना चाहिए। रियाज अब आप लोग सेफ जोन पे थे, पता है, अब आप लोग को यहीं रुकना चाहिए, जोन के पास ही है, अच्छे जोन में घुस जाओगे। टीम 12 की फाइट, ओ भाई टीम 12 और टीम की फाइट हो रही है। इनके 2 बंदे नॉक्ड हैं। टीम 21 के कितने बंदे नॉक गए ये देखते हैं। इनके 2 बंदे खत्म है, 1 बंदा नॉक गया, 1 ही बंदा बचा है। ओ भाई, ओ शिट 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 शिट। टीम 21 का 1 ही बंदा बचा है, का 1 बंदा उसने खत्म कर दिया। टीम 12 का पूरा बंदा खा गया, 1 ही बंदा 21 का। ओ भाई मान गए। टी एक्स, वाओ वाओ। ऐसे हमारे पास टॉप 5 टीम आ गई है। टॉप 5 टीम में है डेविल एनर्स, टैग लेवनहो, मिथ, निक्स, जटायु, मित्राका, अंगद, जैक्स की पूरी टीम है, जैक्स प्रिंस, रोहित, साइक्लॉप्स और यहाँ बावली, जीएनडी और कमांडो, हाइड्रा, अभिषेक, केपी, डेविल फोनेक्स, आसाराम बापू और यहाँ पे टीएक्स बुबली बी। और यहाँ पे बहुत बुरी फाइट की स्थिति पे फंसे हैं बंदे। टॉप टीम से आज सबसे ज़्यादा किल किसका है यार बताओ मुझे, थोड़ा सा देख के। सबसे ज़्यादा किल किस टीम की है? मेरे ख्याल से बबली की 6, बबली बी की 7 किल अभी तक सबसे सोलो में उसने किए हैं। 7 और 2 बंदे 11 किल्स के साथ बबली बी की टीम। बबली बी, बबली बी बी, बबली बी। 3 और 6 की फाइट अभी भी जारी है। 3 और 6 एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाली है। 6 ने पूरा खत्म कर दिया। हाँ 6 के किल हाईएस्ट है, टीम 6 के किल हाईएस्ट है यार, सुनने में आ रहा है मुझे, देखना है। 6 6 12 और ओ भाई 15 किल्स, वाओ। पर उस दिन का 23 किल्स अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया यार। उस दिन की 23 किल्स को कौन बीट करेगा मुझे वो देखना है। 24 किल्स किस दिन सर्वर में ख़त्म होगी वो दिन मेरे को वेट कर रही हूँ मैं। हाँ यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं टॉप 4 टीम्स, अभी 3 टीम्स हो जाएगी क्योंकि 3 स्क्वाड पूरी है और बबली भी अकेला। बबली भी मेरे ख्याल से अभी साइलेंटली वर्क करेगा कायदे से। क्या सॉरी 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 यार, रुको मैं पढ़ी नहीं हूँ। अच्छा बबली भी है, सॉरी 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 सॉरी, मैं बबली भी पढ़ी हूँ। बबली भी है यार, बबली भी है। देखो ना, बम तक वो अलग लिखा हुआ है और ली तक अलग है और भी अलग है यार। बम्बल इसके बाद आप बता देना, आप बबली भी हो, बम्बली भी हो या जो भी हो, प्लीज बता देना आफ्टर गेम ना यार। गग्गी से हेलो, हाय गग्गी, कैसे हो आप? कमेंट्री अच्छा है, थैंक यू निम्स, थैंक यू फॉर दैट। मेरा कमेंट्री अच्छा लगा आपको। एक्स्ट्रा कस्टम कब स्टार्ट होगा? होता है यार एक्स्ट्रा कस्टम स्टार्ट नहीं होता है, आप बोलेंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन क्या बंदे रहे ना तब मजा आएगा। यहाँ राका अकेले बचे हैं, मुझे नहीं लगता ये टीम पूरी की पूरी स्वाइप हो गई। टॉप 3 टीम्स हमारे पास आ गई है।
टॉप थ्री टीम्स में दो पूरी स्क्वाड है और एक सोलो बचे हैं। जो हाईएस्ट किल थी अभी तक की वो जटायु की टीम खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब जो सेफ प्लेयर्स है वो सब बचे हुए हैं, तो बबली बी का क्या होगा देखते हैं। ये रूप 37 का क्या है, कल वाला डुओ पूरा मैच क्या हाईलाइट कब देखने को मिलेगा यार। कल का जितना भी हुआ था लाइव स्ट्रीम पे हो पाया था, उसके बाद स्ट्रीम बंद हो गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पर वो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया है, तो आई एम सॉरी फॉर टुमारो यार। पर अभी क्या है, मैं न्यू हूँ ना तो थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लग रहा है यार, और ये अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा और ज़्यादा परेशान हूँ मैं। हाँ एक्चुअल में ना मैं इंग्लिश भी करेक्ट करा दूँ यार, ये टुमारो होता है ना, मैंने टुमारो नहीं बोला था क्या, कल का उसने लिखा है मैंने। हाँ सॉरी 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 सॉरी, इट वॉज यस्टरडे। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, कल के मैच। अरे यार मैं एकदम हैक्टिक सी हो गई हूँ ना, एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे इतने बंदे बचे हुए हैं, मतलब चिकिल चिकिल हो गया, चिकिल चिकिल। ना 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 फाइट हो गई, भी 16 बंदा बचा था। बबली भी, बबली भी, बबली भी को इन्होंने नेट से खा लिया। अब टॉप टू टीम्स बची है, टॉप टू टीम्स में क्या होगा भाई, क्या होगा। M416 से आई गेस इन्होंने कमांडर को नॉक कर दिया है, फिनिश भी हो गए हैं। जैक्स प्रिंस की भी बहुत डैमेज है, हालत काफी खराब है। फोनिक्स यहाँ पे प्लैंक कर रहे, ओ शिट नेड बहुत गलत टाइमिंग पे और गलत जगह हो गया है। ओ शिट 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 शिट, टीम नाइन का एक बंदा और नॉक्ड है, वो भी खत्म। एक बंदा यहाँ पे नॉक्ड है, फोनिक्स यहाँ फ्लैंक करें, इनके भी दो बंदे खत्म है। आशाराम बापू का शिट, नाइन गलत जगह पे गलत टाइम पे पहुंच गए। यहाँ टीम नाइन यहाँ पे सामने से आ रहा है, नीचे ही लेटा हुआ। वो भाई कौन जीता मैच, ये प्रिंस लोग जीत गए ना शायद। ओ भाई एंजॉयड द मैच। वो फायरिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं बंद भी नहीं कर सकती थी बिना लिए, क्योंकि मेरे को इंस्टा पे अपलोड भी करना था, अदरवाइज मैं क्या अपलोड करती। ये आ गए हमारे स्पेक्टेटर। हाय हाय रंकन, रंकन की तरफ से आप लोग हेलो कबूल करें, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी स्ट्रीम में मज़ा आ रहा होगा। थोड़ी सी लैग की जो प्रॉब्लम है गाइस, उसको थोड़ा सा लॉकडाउन तक झेल लो। जैसे आप लोग घर को झेल रहे हो, काम को झेल रहे हो, बीवी को झेल रहा है कोई, कोई अपनी फैमिली को झेल रहा है, कोई बिना गर्लफ्रेंड घर पे है, कोई बिना सिगरेट फूके घर पे है, तो इतनी चीज़ें जब झेल ही रहे हो तो एक छोटी सी और चीज़ मेरे लिए झेल लो यार। ये थोड़ी सी मतलब स्ट्रीम को झेल लो। लॉकडाउन के बाद वी विल कम विद गुड स्पीड ऑन माई इंटरनेट, होप तब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और मेरे लिए थोड़ा नया है यार, मुझे थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है। नीज आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों लेकिन तुमने मुझे बहुत हेल्प किया यार। इस मतलबी दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता, पर बिना मतलब के तुमने मेरी हेल्प की है, थैंक यू वंस अगेन। एंड गाइज आप लोग दिल से नीज को दुआ करें कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में, मुझे लगता है, बट आई गेस। बबली भी अपना नाम बता दो यार, आप ठीक टाइम पे आए हो। बबली भी यार, आप बम्बली भी हो ना या बबली भैया भी हो? भैया या बम्बल भैया बम्बल भी हो ना, ये भैया ये बबली भी लगी है स्ट्रीम पे। ट्रिपल भाई भाई एक्स। ओ भाई, हाँ
थर्की ट्रिपल एक्स। थर्की ट्रिपल एक्स है, ओके ओके थर्की वाली। मैं सोच रही थी आज थर्की की क्लैन कैसे नहीं आई है। ओ भाई वही मैंने कहा थर्की ने एक बार जीत ली और अब गायब, हाउ इज इट पॉसिबल। चलो गाइस बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बी हेल्दी, बी सैनिटाइज, टेक केयर, गो कोरोना गो बोलते रहो, शायद कोरोना भग जाए सुन के, उसे शर्म आए तो वो भग जाए। ओके गाइस बाय, टेक केयर, गो गुड गो करो ना गो, नाइट, गो गो कोरोना, करो ना गो। गो कोरोना गो, से गो कोरोना गो। कह रहे यार सच में हम लोग ना किसी भी चीज को, इंडिया वाले लोग ना मतलब विलन को भी हम कॉमेडियन बना देते हैं, इट्स ट्रू। चलो खैर ज्यादा मजाक ना उड़ाते हुए वरना कोरोना नाराज हो जाएगी। सॉरी कोरोना, सॉरी सॉरी कोरोना, सॉरी। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, विल मीट टुमारो एट 10:30। स्क्वाड स्वॉट की तरफ से भी बाय कबूल किया जाए और हैशटैग का भी बाय। ये हमारा ड्रंकन मैन है जो आजकल बाय। स्टैग हैशटैग हो गया है, #YT। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।